सामाजिक पेंशन बहाल करो। यूपीएस हमारी भी मांग नहीं थी, तो ये मांग आई कहां से? बेहद शोषण जो है उस लेबर का भी किया जा रहा है। आंखें खुली हो तो देख सकते हैं। दुनिया की सबसे बड़ी रैली हम लोगों ने किया पेंशन के नाम पे 1 अक्टूबर 2023 को दिल्ली में। भर्ती रोकेगी तो निजीकरण होगा, फिर वो पूंजीपतियों का पक्ष पूर्ति है। यूपीएस का मुद्दा, निजीकरण मुद्दा बड़ा मुद्दा है। 3 लाख पोस्टें खाली हैं, 9 लाख केवल जो है जी वर्किंग में है। और जो लोग रेल को बेच रहे हैं, हम तो मानते हैं देश को बेच रहे हैं, आज उनको भी थूक कर चाटना पड़ा। सरकार ने फिर अपने दलालों को बुलाया। ये बुढ़ापे की लाठी है। नौजवान यस मैन नहीं हो सकता है, नौजवान सवाल करता है। तो इस बार ही जो है ऐसी आंधी चल रही है। यकीन है पुरानी पेंशन को बहाल कराएंगे, रेलवे की दिशा को बदलना है। साथियों नमस्कार, मेरा नाम है अनुभव, आप देख रहे हैं इंडस न्यूज टीवी। साथियों मैं अभी मौजूद हूँ इज्जत नगर जोन में, जो रेल भंडार गृह है उसमें अभी मौजूद हूँ। यहाँ पर एनई रेलवे मेंस कांग्रेस द्वारा काफी बड़ा कार्यक्रम किया गया था, जिसमें बहुत ही भारी मात्रा में लोग आए थे। और आप मेरे पीछे देख रहे होंगे कि यहाँ पर आए हुए काफी अतिथिगण लोग हैं, जो तो इनसे सबसे पहले हम जानेंगे, इनसे बात करेंगे कि क्या इनके मुद्दे रहे हैं, क्या किस विषय पर यह कार्यक्रम किया गया था। तो सर, सर्वप्रथम तो हम आपका परिचय जानना चाहेंगे। मैं डॉक्टर कमल उसरी हूँ। सर क्या कहना चाहेंगे, आपके तरफ से बहुत भारी कार्यक्रम हुआ था, बड़ी मात्रा में लोग आए थे यहाँ पर, क्या कहना चाहेंगे? हम लोगों का यही कहना है, ये परिवर्तन के लिए जो रेलवे में चुनाव हो रहा है, हम लोग मेन अपील कर रहे हैं कि परिवर्तन के लिए NERMC को वोट करें और UPS NPS पर चोट करें। इस नारे के साथ हमारा ये कार्यक्रम था। आने वाले 4 और 5 दिसंबर को जो वोट पड़ेगी, ये पढ़े लिखों का वोट है, ये कोई MP MLA का वोट नहीं है। ये कहने में आपको लगता है कि सरकारी कर्मचारियों का है, लेकिन ये देश की दशा और दिशा तय करता है। इस चुनाव में यकीनन इस बार मेंस कांग्रेस बढ़त बढ़ा बना चुकी है। आपने देखा है आज यहाँ सैलाब, और हम जो पर्चा दाखिल करने गए थे 22 तारीख को गोरखपुर में, वहाँ भी इस तरह का सैलाब था। पूरा जो लोग पुरानी पेंशन को मुद्दा मानते हैं, जो लोग रेल के निजीकरण के खिलाफ लड़ने वाले लोग हैं, जो चाहते हैं कि जनता की सवारी भारतीय रेलवे बची रहे, बुढ़ापे का सारा पुरानी पेंशन मिले, वो तमाम लोग हमारे साथ हैं। और हमें पूरा विश्वास है, हमने ज़मीनी पर जो बरसों काम किया है उसका मुझे एहसास है कि आने वाले वक्त में जो 4-5 दिसंबर को चुनाव होगा, यकीनन रेलवे में कांग्रेस जीतेगी। इंडियन रेलवे एम्प्लाई फेडरेशन देश में एक अल्टरनेटिव विकल्प बन रहा है, उसकी जीत बनेगी। और जो लोग रेल को बेच रहे हैं, हम तो मानते हैं देश को बेच रहे हैं, उनके ऊपर रोक लगेगी। रेल में नई भर्तियाँ शुरू होंगी, रेल का जो किराया दाम बढ़ गया वो कम होगा। और यकीनन हमें ये आपको मैं बताना चाहता हूँ कि जो आजकल OPS एक बड़ा मुद्दा बना है, OPS के खिलाफ, मतलब OPS के पक्ष में NPS खिलाफ, UPS खिलाफ अगर सचमुच कोई लड़ रहा है तो इंडियन रेलवे मेंस कांग्रेस है, इंडियन रेलवे एम्प्लाइज फेडरेशन है, फ्रंट अगेंस्ट NPS इन रेलवे है, NMOPS है। आप जिन लोगों ने कह दिया था कि मुद्दा मर चुका है, जो लोग मानते थे पहले, हम लोग मजाक उड़ाते थे, हम लोग याद है जब पेंशन की बात करते थे मजाक उड़ा जाता था। आज आपको पता होगा छत्तीसगढ़ में बहाल है, झारखंड में बहाल है, राजस्थान में बहाल है, हिमाचल बहाल है, अभी पंजाब में बहाल हुई है, तो कई राज्यों में बहाल हुआ है। इसलिए हमारा मुद्दा अगर ना सफल होता आज इतनी हजारों लोगों की भीड़ कैसे रहती। और दुनिया की सबसे बड़ी रैली हम लोगों ने किया पेंशन के नाम पे 1 अक्टूबर 2023 को दिल्ली में। अगर हमारा मुद्दा लोगों को जागरूक ना करता, लोगों के दिल को मन को न छूता, लोग हमारे साथ न आते, तो हम दुनिया की सबसे बड़ी रैली कैसे कर पाते? हमारा मुद्दा, हाँ ये अलग दूसरी बात होती है कि सरकार इस पर थोड़ा सा डिफेंसिव करती है, लेकिन जिन लोगों ने कहा था कि पुरानी पेंशन जो राज दे रहे हैं पाप है, आज उनको भी थूक कर चाटना पड़ा और NPS की जगह UPS लाना पड़ा। इसलिए हम आपको, आप पत्रकार साथी को बताना चाहेंगे कि OPS मुद्दा से लोग जुड़ रहे हैं, यकीनन जुड़ रहे हैं, मतलब जागरूक हो रहे हैं लोग, आपकी आवाज़ बुलंद हो रही है। आप प्रमाण देखिए, आज प्रमाण देखिए कितने लोग थे यहाँ। और दिल्ली की जो दुनिया सबसे बड़ी रैली हुई उसमें कौन लोग थे? पेंशन के लोग ही थे। यानी कर्मचारी इतिहास में, पूरी दुनिया में बात कर रहा हूँ, भारत केवल नहीं बात कर रहा हूँ, ट्रेड यूनियन के इतिहास में 1 अक्टूबर 2023 को रामलीला मैदान में जो रैली हुई, ये जितने लोग खड़े हैं ये सब उस मंच पे थे। जितने लोग यहाँ खड़े हैं यहाँ, ये सब लोग मंच पे हैं। इन लोगों ने मेहनत किया था तभी तो हो पाया। UPS क्यों आया गया तत्काल? क्योंकि UPS इसलिए आया था, हरियाणा का चुनाव था, उसमें उनको नाटक करना था, हमारे रेल का चुनाव था। लेकिन लोग जानते हैं UPS का मुद्दा, निजीकरण मुद्दा बड़ा मुद्दा है और हम उस पर पूरी तरह खुश हैं। और हम आने वाले समय में जब 12 दिसंबर को हम चुनाव जीत के आएंगे, यकीन है पुरानी पेंशन को बहाल कराएंगे। मैं सर्वजीत सिंह, जनरल सेक्रेटरी इंडियन रेलवे एम्प्लॉइज फेडरेशन। सर देखा होगा आपने काफ़ी भारी संख्या में भीड़ आई आपके कार्यक्रम में, तो क्या कहना चाहेंगे आप पहले तो कार्यक्रम के बारे में? कार्यक्रम जो हमारा 4, 5, 6 दिसंबर को जो है, जो इलेक्शन भारतीय रेलवे में ट्रेड यूनियन की मान्यता के लिए होने जा रहे हैं, उसके संबंध में जो है ये रैली रखी गई थी। और जिसमें आप लोगों ने देखा
कोई किराए के लोग नहीं, ये अपनी मर्जी से आए हुए लोग और रेल कर्मचारी थे। रेल कर्मचारी के बिना जो है और कोई नहीं था। तो इसका मकसद क्या है कि ये जो चुनाव आए हैं, चुनाव एक्चुअल में ये जैसे राजनीतिक लोग जो हैं वो चुनाव दूसरे चलते हैं, ये चुनाव हमें ये लगता है कि ये भारतीय रेल की दिशा जो है, दशा जो है, ये तय करेंगे कि क्या ये निजीकरण की तरफ बढ़ेगी या इसको कोई रोका जा सकता है, जो कि ट्रेड यूनियन का काम है। कि जब ये भारतीय रेल की ये लाइनें बिछाई गई थी, ये भारतीय लोगों ने देश को समर्पित की थी, जमीन सस्ते भाव में जो है हमारे देश ने खरीदी थी कि हमारी भारतीय रेल चलेगी। अब ये टाटा बिरला अंबानी अडानी जैसी कंपनियों को जो है, बड़े बड़े लालाओं को जो है, पूंजीपतियों को जो है, ये भारतीय रेल टुकड़ों टुकड़ों में बेच रहे हैं। बड़े बड़े कारखाने हमारे बेच रहे हैं, स्टेशन बेच रहे हैं, हमारे शेड बेच रहे हैं, हमारे काम को जो है आउटसोर्स किया जा रहा है, ठेकेदारी सिस्टम किया जा रहा है और उसमें बेहद शोषण जो है उस लेबर का भी किया जा रहा है। उनको मिनिमम वेजेज भी नहीं मिल रहे हैं, हर तरफ से जो है कानून को जो है वो छिके पे टांका जा रहा है। और हमारा ये मानना है, इंडियन रेलवे एम्प्लाइज फेडरेशन का ये मानना है कि अगर रेलवे की दिशा को बदलना है, अगर आम गरीब जनता की भारतीय रेल को स्थापित करना है, तो उसके लिए वो रेल आगे आनी चाहिए जिसकी कोई समझ है, जिसका ये विज़न हो कि अपने कर्मचारियों के लिए। हमने एक विज़न, मैं फॉर एग्जांपल आपके सामने रख रहा हूँ कि एनपीएस है, एनपीएस 2004 में लागू हुई और जो हमारे यहाँ मान्यता प्राप्त संगठन है सब, वो 20 साल जो है जी, 20 साल इस पे एक शब्द नहीं बोले, बल्कि इसकी वकालत करते रहे, लोगों को वेबसाइट पे सेमिनार करके, रैलियां कर करके ये बताते रहे कि आपको करोड़ों रुपया मिलेगा जब आप रिटायर होंगे। मैं रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला से आया हूँ, वहाँ पर हमारे यहाँ चार जो है जी ऐसे कर्मचारी जो नई पेंशन में आते हैं वो रिटायर हुए, एक को 553 रुपया, 752 रुपया, एक को 1000 समथिंग रुपये, यानी कि ये पेंशन लगी है साहब, जो कह रहे थे करोड़ों रुपया लगेगा। अभी भी जब पूरे देश में जो है इंडियन रेलवे एम्प्लाइज फेडरेशन, फ्रंट अगेंस्ट एनपीएस, एनएमओपीएस मिलके जो है जी पूरे देश में, जब हम सेंट्रल सरकार और स्टेट सरकार के जितने भी एम्प्लाइज हैं उनको एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठा किया और जब चोट मारी, लगभग 5 स्टेटों में जो है या तो पेंशन जो है जी मिल चुकी है या उसका प्रोसेसिंग जो है स्टार्ट हो चुका है। जब ये देखा सरकार ने, हर जब भी सेंटर के इलेक्शन आए, बेशक स्टेटों के आए, तो उसमें जो है ओपीएस जो है बड़ा मुद्दा बनके जो है सामने आया, तो सरकार ने फिर अपने दलालों को बुलाया जिनको उन्होंने पाला हुआ था, उन्होंने बुला के जो है उन्होंने कहा कि भैया आप क्या कर रहे हो, ये हमारे सामने परेशानी खड़ी कर रहे हैं, हर इलेक्शन में आते हैं तो आप क्यों बैठे हैं, तो इनको लगाया। तो इन्होंने एक जॉइंट फॉर्म बना के उस मूवमेंट को जो है ड्रिल करने का काम किया। और यूपीएस इनकी भी मांग नहीं थी, यूपीएस हमारी भी मांग नहीं थी, तो ये मांग आई कहाँ से, ये चीज आई कहाँ से, ये सरकार ने दी। सरकार ने कहा इनको कि इस पे जो है आप सहमत हो, और ये इन्होंने कुछ नहीं सोचा कि नए बच्चों के साथ जो आज महंगाई का दौर है, आप इसी समाज में रहते हैं सब, महंगाई किस तरह की चल रही है और आज हमारे हाथ पांव चल रहे हैं, ये बुढ़ापे की लाठी है, ये बुढ़ापे में जब मेरे हाथ पांव नहीं चल रहे हैं तो उसके लिए पेंशन होती है सब, जब घर के भी नहीं पूछते, अगर बुजुर्ग के पास पेंशन है तो उसको रोटी मिलती है अच्छे से, नहीं तो नहीं मिलती है। सो हमने एक संघर्ष खड़ा करके दिया है सब, हम आगे भी ये लोगों के पास जा रहे हैं। आज की रैली का मुख्य मुद्दा ये था कि हम नई भर्ती की बात करेंगे। आज बेरोजगारी है देश में और आपको जान के हैरानी होगी, 24 लाख लोग काम करते थे रेलवे में, आज केवल 12 लाख लोग रह गए हैं, उसमें भी 3 लाख पोस्टें खाली हैं, 9 लाख केवल जो है जी वर्किंग में है। इसका मतलब अगर केवल एक नई पोस्ट ना भी क्रिएट करें, 3 लाख पोस्टें जो है जी इमीडिएटली भरी जा सकती है, वो हमारे समाज की गरीब लोगों के बच्चों का जो है जी उसमें। तो सरकार ऐसा कर क्यों नहीं रही है कि 3 लाख पोस्टें जो है और वैकेंसी निकालनी चाहिए, पहले तो इनको भरना चाहिए।
अब दो चीजें हैं सर, जब इलेक्शन होता है तो बात की जाती है कि हम इतने रोजगार देंगे, 2 करोड़ जो है जी रोजगार देंगे। बात कोई भी सरकार हो, कोई भी पार्टी हो, तो वो अपने इलेक्शन मैनिफेस्टो में ये बातें करती है, लेकिन जब इलेक्ट हो जाती है तो वो सबसे पहले क्या काम करती है, सबसे पहले वो ये काम करती है कि वो ये काम करती है, फिर वो पूंजीपतियों का पक्ष पूरती है कि भर्ती रोकेगी तो आउटसोर्सिंग होगी, भर्ती रोकेगी तो निजीकरण होगा। सो ये मामला, इसीलिए सरकार जो है नई भर्ती नहीं करती है। वो कॉन्ट्रैक्टर आप जाके देखिए, ठेकेदार जो है उस लेबर का जो है एटीएम कार्ड भी अपने पास रखता है, और अगर उसको 350 रुपया दिहाड़ी मिलनी है तो वो कहता है कि तेरे को 200 रुपया मिलेगा, 150 रुपया तू एटीएम कार्ड मेरे को दे दे, वो वहां से निकलवा लेता है। इस प्रकार तो जो हमारे देश में सरकारी अदारों में जो है जी, इस तरह जो है जी कर्मचारियों का, लेबर का जो है जी शोषण होता है जी। सर, जैसे कि रेलवे के कर्मचारी जो हैं वो कहीं ना कहीं बहुत काफ़ी मेहनत करते हैं, वो काफ़ी साल जो है वो अपनी नौकरी करते करते दे देते हैं किसी एक विषय सब्जेक्ट को, वहीं जो नेता लोग हैं वो 5 साल सिर्फ अगर कुछ भी हो जाता है लेकिन फिर भी उन्हें नवाजा जाता है ओल्ड पेंशन स्कीम से। और जबकि यहाँ पर जो है एनपीएन जो आपने बताया, न्यू पेंशन स्कीम है, यूपीएस है जो अपग्रेडेड होते जा रहे हैं, और भी तो इन सारी चीज़ों को कैसे देख रहे हैं? ये कर्मचारी है जो लाख सालों से करता जा रहा हो, एक जो नेता है उसे वो कई एक बार चुनने के बाद भी उसे पूरी जिंदगी भर जो है जो ओल्ड पेंशन स्कीम का लाभ दिया जा रहा है, तो कैसे देख रहे हैं साहब? आप जान के हैरान होंगे, हमारे जेसीएम के जो नेता है ना जी, उनकी एक ही उम्र 89 ईयर यंग है, जो हमारे यंग के लिए वहां पर फैसला करता है, वो जब तक जिंदे हैं वो सीट पे रहेंगे, जब तक वो महामंत्री रहेंगे साहब। ऐसे ही दूसरा 74 साल का है, जब तक डेथ नहीं होगी तो ये गद्दी छोड़ी नहीं जाएगी, नौजवानों के हाथ में चाबी नहीं दी जाएगी, क्योंकि नौजवान दिशा जो है ना चेंज करेंगे। नौजवान यस मैन नहीं हो सकता है, नौजवान सवाल करता है, नौजवान सोशल मीडिया आपके माध्यम से जो है उसको बहुत सारी जानकारी मिलती है, तो उस जानकारी के कारण अभी जो यूपीएस का हुआ, 1 घंटे के अंदर अंदर सोशल मीडिया आपके ही इन चैनलों के ऊपर जो है 1 घंटे के अंदर अंदर उसके नेगेटिव पॉजिटिव जो है, आम मेरे क्लास 4 का कर्मचारी जो है उसने ये फैक्टर ला के जो है जी रख दिया। लेकिन इन महान भावों को जो आप कहते हैं ना कि छोड़ते क्यों नहीं, अरे सरकार का पक्ष पूरेंगे, अगर सरकार के हित में जाएंगे, कर्मचारियों के उल्ट जाएंगे, पीठ के पीछे छुरा खोपेंगे, तो भैया उनको कौन हिलाएगा? कोई नहीं हिला सकता। तो इस बार ही जो है ऐसी आंधी चल रही है, यहाँ रेलवे में बदलाव का जो है पूरा जो है जी बना हुआ है, और मेरे को लगता है कि 12 तारीख को शायद फिर आपसे मुलाकात जो है मेरे साथियों की होगी, तो हम उस पर भी चर्चा करेंगे। 12 को रिजल्ट आना है, 4, 5, 6 दिसंबर को जो है इलेक्शन होने हैं, तो मैं इंडियन रेलवे एम्प्लॉयज फेडरेशन के महामंत्री के नाते मैं सब रेल कर्मचारियों से निवेदन करता हूं कि एनी रेलवे मेंस कांग्रेस, जो एनी रेलवे इस पूरे जोन में जो है कुर्सी के इलेक्शन जोन निशान के ऊपर जो है इलेक्शन लड़ रहे हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा वोटें जो हैं साथी डालें। धन्यवाद। बस हम यही कहेंगे कि एनपीएस यूपीएस पर चोट करते हुए इस बार परिवर्तन के लिए ओपीएस को मुद्दा मानते हुए चुनाव चिन्ह कुर्सी जो एनी रेलवे मेंस कांग्रेस की है उस पर वोट करें और बदलाव के लिए अग्रसर हों, जागरूक हों, हर वर्ग से हट के और संगठनों से हट के अपने भविष्य को देखते हुए, अपने बुढ़ापे की लाठी को सरते हुए, चोट करते हुए कुर्सी पे समर्थन अपील करते हुए वोट कराएं और लोगों से अपील कराने की सहयोग करें, यही कामना करें। थैंक यू सर। और भी मेरे साथ अन्य साथी लोग हैं जो इनसे बात करेंगे। हाँ बिल्कुल सर, जैसे कि आपने देखा कि कार्यक्रम में आए हुए बहुत सारे अतिथिगण लोग हैं, इनमें से ही एक मेरे साथ अभी मौजूद हैं, तो सर सबसे प्रथम तो मैं आपका परिचय जानना चाहूँगा।